तो कैसे हो मेरे YouTube के चाहने वाले? My name is संतोष मांथनिया, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं फाइनली बिग बॉस का OTT सीजन सेकेंड आ चुका है, वो भी जियो सिनेमा ऐप पर। अब वहाँ पर क्या है कि 24 घंटे आप उनको लाइव देख सकते हैं। इतने लोग वेले बैठे हैं, इतने वेले बैठे हैं जो 24 घंटे देखते ही जा रहे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो भाई लोगों, मेरे से किसी ने सवाल किया कि क्रिंज का दूसरा नाम क्या है, तभी मैंने मुस्कुराकर बोल दिया क्रिंज का दूसरा नाम बिग बॉस है। अब पता नहीं साला, जब से मैंने ये बोला है तब से बिग बॉस गिरता ही जा रहा है। कसम से भाई लोगों, मेरे खुद की इच्छा थी कि बिग बॉस की कोई लंका लगा दे। फाइनली वो घड़ी आ गई है, वो लंका लगाने वाला भी आ गया है। वो आ गया। देखो, वो आ गया। वैसे लंका लगाना हर किसी के बस की नहीं होती है। लंका तो वही लगा सकते हैं जो खुद अपने आप में लॉर्ड होते हैं। जैसे कि रावण की लंका किसने लगी? हनुमान जी ने, क्योंकि वो खुद एक लॉर्ड है। तो हमारे बिग बॉस की लंका लगाने वाले कौन है? वो लॉर्ड है हमारे लॉर्ड पुलिस सुपरस्टार। तुम में से काफी लोग सोच रहे होंगे अभी सर लॉर्ड पुनीत कौन है? मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लॉर्ड पुनीत कोई भगवान नहीं है। लॉर्ड पुनीत एक मीम क्रिएटर है जो वीडियोस बनाता है। वो इंस्टाग्राम पर लगभग डेली की 100-150 रील तो अपलोड करता ही करता है। वो करता कुछ नहीं है, बस उठपटान हरकतें करता है, जिनमें से एक है कभी मुँह के ऊपर चप्पल रख के वीडियो बनाता है, कभी मुँह को काला कर बनाता है, तो कभी सिर के ऊपर कुछ गंदी चीज़ें डालता रहता है, कभी मुंह पे पेस्ट लगाता है, और कभी कभी तो इतनी हद पार हो जाती है वो नाली के अंदर भी लेट जाता है। मतलब इस प्रकार की वीडियो बनाकर वो लोगों को हंसाता है। तो हुआ कुछ ऐसा, पुनीत सुपरस्टार को इनवाइट आया बिग बॉस से, तो अपने पुनीत भाई चले गए बिग बॉस के अंदर। वो बंदा 24 घंटे घर के अंदर रहा, उससे पहले उसे एलिमिनेट कर दिया गया, घर से बाहर निकाल दिया गया। बिग बॉस वालों ने हाथ जोड़ दिया, भाई पुनीत तुम्हें नहीं रख सकते, निकलो यहाँ से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर क्या, हनुमान जी लंका लगाई तो अपने पुनीत भाई ने बिग बॉस को लगा दिया। एक्चुअली में लॉर्ड ने क्या किया, घर के अंदर घुसते ही अपनी उठपटान हरकतें शुरू कर दी। मुँह के ऊपर कुछ लाइजोल लगा रहा है, कभी पेस्ट लगा रहा है, सिर के ऊपर शैम्पू गिरा रहा है, तो इस प्रकार की हरकतें शुरू कर दी। तो बिग बॉस वालों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई, और एक चीज़ तो मेन बात उस कारण इससे निकाल गया, आप खुद सुनिए। जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते, और जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल यार, मैं बिग बॉस के बाथरूम में हक के नहीं भाग सकता। हाँ बिल्कुल भाई। सच्ची बताओ ये बात भाई। हाँ हो भी सकता। अच्छा, है भाई, अगर किसी ने किया था तो क्यों किया था? देखो मेरा मन कर रहा था मैं लोगों को तंग करूं और मैं उनको परेशान करूं, तो जो मैंने कांड करा वहाँ मैंने कर दिया भाई। बिल्कुल मैंने, तुमने यार कसमें वसमें भी खा ली थी वहाँ पे। हाँ मतलब जो भी था यार, मतलब ठीक था, मतलब जो करा यार बढ़िया करा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। बिग बॉस वालों को ये चीज नहीं पता थी, पुनीत सुपरस्टार को निकाल तो दिया लेकिन वो TRP जेब में डाल के निकल लिया। अब पीछे बिग बॉस वाले माथे पे हाथ देके रो रहे हैं। कालो बिग बॉस के बिगमंगो, तुम्हारी औकात भी नहीं है पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस में लाने की। तुम्हें रखना है रखो, नहीं रखना। जब से पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस से निकाला गया तब से बिग बॉस की उल्टी गिनती चालू हो गई। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप देखिए, पहले जियो सिनेमा की रेटिंग थी 4.6, अब वहां से गिरकर सीधी की सीधी हो गई 1.4 पर। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितना गिर चुका है बिग बॉस, और मुकेश अंबानी भी सिर पे हाथ रखकर रो रहा होगा। जब से पुनीत को घर से बाहर किया तब से मेरे जैसे लोग पुनीत के सपोर्ट के अंदर खड़े हो गए, क्योंकि हम सबको क्या है कि मजा आता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने में, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिग बॉस को हम पूरा गिरा दें। बिग बॉस पहले यहाँ था, अब पुनीत जब से निकला वो यहाँ आ गया है। लॉर्ड पहले इतना फेमस नहीं, जब से वो बिग बॉस में जाकर फिर से बाहर आया तब से उसका ग्राफ चढ़ता ही जा रहा। उस बंदे के 300 के फॉलोअर्स थे, वहां से बढ़कर सीधे के सीधे 2.5 मिलियन प्लस हो गए फॉलोअर्स। अब 2.5 मिलियन फॉलोअर्स इसके बड़े हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, यानी बिग बॉस के अंदर 2.5 मिलियन व्यूअर्स कम हो गए, 2.5 मिलियन न्यू सिनेमा इंस्टॉल हो गए। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि TRP कितनी गिरी है बिग बॉस की। लॉर्ड पुनीत बिग बॉस के घर के अंदर 24 घंटे ना रुका और कंटेंट पूरे सीजन का देकर चले गए।
मतलब जब भी हम रील ओपन करें तब सीधा बिग बॉस के अंदर बस पुनीत 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 आ रहा है, और एक भाई अपना आ रहा है फुकरा इंसान, उसकी वीडियोस भी आ रही है, लेकिन ज्यादा तो अपने पुनीत भाई की आ रही है। पुनीत 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 जब तक सूरज चांद रहेगा पुनीत सुपरस्टार का नाम रहेगा, और बिग बॉस वालों अगर तुम्हें लगता है कि इस घर में मैं रहने के काबिल नहीं हूँ तो मुझे तुम घर से जो है अलविदा कर सकते हो। भाई साहब लॉर्ड का क्या ही एटीट्यूड है, आप लोग सोच रहे होंगे कि पुनीत को बाहर किया होगा तो वो अफसोस कर रहा होगा, उल्टा वो बिग बॉस वाले अफसोस कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बिग बॉस से बाहर नहीं निकलना चाहता यार। तुम्हें रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है, तुक्के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और अब तो बिग बॉस वाले धर्म संकट में ही फंस गए हैं, अगर पुनीत को ना बुलाए तो टीआरपी गिरती जा रही है, और पुनीत को अगर बुलाए तो उसे 50 लाख का इंतजाम कहां से करें, क्योंकि पुनीत 50 लाख लिए बिना वापस नहीं आने वाला है। बेटा 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना पुनीत सुपरस्टार को वाइल्ड कार्ड एंट्री देने के लिए, अगर तुम्हारे में दम हो तो, क्योंकि पुनीत कुमार है किंग, और पुनीत कुमार किसी के आगे झुकता नहीं है, पुनीत कुमार को सलाम ठोकते हैं लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये को छपरी है ना यार, क्या नाम है यार, जो पिछले सीजन के अंदर विन हुआ था ना, क्या नाम है यार, छपरी किंग ऑफ छपरी है ना यार। हाँ एमसी स्टैन ने पुनीत को बोला क्रिंज है तेरा कंटेंट, पुनीत के फैंस को इतना गुस्सा आया जब ये बंदा क्रिंज बोला है, क्योंकि उस खुद का कंटेंट इतना क्रिंज है, इतना घटिया है। तुम्हारे कंटेंट को भाई ने क्या समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती है, नहीं क्या कंटेंट नहीं समझती तुम्हारे कंटेंट, क्या बोलेंगे तुम इस पे, नहीं क्या मेरे कंटेंट को आ गया सही है, मेरे को भी क्रिंज लगा लेकिन नहीं क्या मैंने देखा। अहंकार अंधा कर देता है। अरे भैया तुम्हें कब से क्या जब से ये चीज बोली उसने क्रिंज, पुनीत सुपरस्टार के फैन हो गए एक्टिव, और एमसी स्टैन के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके सीधा जो पिन किया हुआ पोस्ट जो विन हुआ था उसके ऊपर पहले कमेंट था 1 लाख, अब उसके कमेंट कर दिए 3 लाख, यानी 2 लाख कमेंट के अंदर उसको गालियां पड़ रही है। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप उसके अकाउंट में जाके आप कमेंट चेक कर सकते हैं, इतनी घटिया इतनी गंदी गंदी गालियां मिल रही है उसको।